नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीम। आज से 60 साल पहले साहिर लुधियानवी ने कुछ पंक्तियां लिखी थी। दौलत के लिए अब औरत की इस्मत को न बेचा जाएगा, चाहत को न कुचला जाएगा, इज्जत को न बेचा जाएगा, अपनी काली करतूतों पर जब ये दुनिया शर्माएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। वो सुबह कौन लाएंगे? वो सुबह हम ही लोग तो लाएंगे। तमाम लोग सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक विरोध कर रहे हैं, मोमबत्ती मशाल और दिए लेकर सड़क पर निकल रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, तो ऐसे काले करतूत कर कौन रहा है? ऐसी घटना में सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाज की है और हमारी सोच की। गले में सोने की चैन, चेहरे पर शैतानों वाली मुस्कान, आंखों में दहशत ऐसी कि सामने वाला खौफ से भर जाए। फिर सोने पे सुहागा देखिए, पुलिस नेम प्लेट वाली ये बाइक, जिसके दम पर ये दरिंदा दरिंदगी की सारी हदें पार करता गया और इसे रोकने वाला कोई भी नहीं, बल्कि इसे पुलिस का सपोर्ट मिला। इसी दम पर ये पहले आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अंदर 31 साल की डॉक्टर से ये दरिंदा अपनी हवस मिटाया, फिर डॉक्टर को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दरिंदा कोर्ट में जज के सामने रो रो कर कह रहा था कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। उसने आगे कहा कि वो निर्दोष है। जरा सोचिए, ऐसे बोलने वाले के मुंह में मोच क्यों नहीं आ जाती, गला क्यों नहीं बैठ जाता है? धन्य हो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आपकी हुकूमत में ऐसे ही होता रहेगा। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और रेप के आरोपी संजय रॉय का सीबीआई आज पॉलीग्राफ टेस्ट करा रही है। सीबीआई की एक टीम उस प्रेसिडेंसी जेल में विशेषज्ञों के साथ पहुंची है जहां संजय रॉय बंद है। इस मामले में 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। कोलकाता कांड का दरिंदा उगलेगा राज, जेल में हुआ संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान सीबीआई की टीम भी रही मौजूद। घटना की उस रात की पूरी कहानी, रात 1 बजे डॉक्टर के साथ क्या हुआ था। लेकिन वारदात की रात आरोपी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ तो गले में ब्लूटूथ एयरफोन था। इस मामले में जांच कर रहे सीबीआई ने सीसीटीवी स्क्रीन ग्रेप भी जारी किया है। उसमें आरोपी संजय रॉय को 1:03 पर जाते वक्त देखा गया। लेकिन दरिंदा सीबीआई जांच में अब पैतरेबाजी कर रहा है ताकि आरोपों से बच जाए। लेकिन सवाल अभी भी वही कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ कब मिलेगा, या और मामलों की तरह ये मामले भी अदालत की चौखट पर धूल मिट्टी खाता रहेगा।